हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में कचरियाँ बहुत आई हुई हैं। ये देखिए कितनी कचरियाँ हैं, लोग इनको सब्ज़ी में और चटनी में बहुत यूज़ कर रहे हैं। मैं भी आधा किलो कचरी लेकर आई थी, लेकिन चटनी बनाने के लिए उसमें से सिर्फ इतना सा निकला है। ये देखिए सिर्फ इतना सा, बाकी सारा ये कड़वा निकल गया है। तो आप लोग भी जब अगर चटनी बनाएं तो हर पीस को थोड़ा थोड़ा यहाँ से ऊपर से काट के चेक कर लीजिएगा ज़रूरी, क्योंकि ये कड़वा होता है जैसे खीरा कड़वा निकलता है, उसी टाइप से कड़वा निकलता है। तो उसको प्लीज़ आप सारा चेक करिए, क्योंकि मैंने थोड़ी पहले भी बनाई थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सारी ऐसे ही डाल दी, सारा मटीरियल वेस्ट किया, बिल्कुल कड़ी हुई चटनी बनी है। ये देखिए इतना सारा, इस सारा कड़वा है, बिल्कुल सिर्फ हमें इतना सा मिला है, 8-10 पीस मिले हैं इसमें से। तो इसको मैंने छील के अच्छे से वॉश करके और इसको स्लाइस में काट लिया है। अब इसके लिए मैं कुछ लहसुन की कलियां ले ली हैं मैंने, है 2 टमाटर ले ली हैं, ज़रूरत पड़ी तो 1 टमाटर और मैंने एक्स्ट्रा में रखा हुआ है वो भी ले लूँगी, और प्याज लिया है मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का, और ये कुछ धनिए और पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं टेस्ट बनाने के लिए, धनिया पाउडर है, और ये लाल मिर्च है जो मैंने थोड़ी देर पहले पानी में वॉश कर दी है। ये देखिए, और इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।